तो आज की वीडियो में हम स्पिन मारने जा रहे हैं विंटर विज इवेंट के अंदर और बताएंगे आपको कि आपको इसके अंदर स्पिन मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, कितने डायमंड जो इसके इस इवेंट के अंदर लगने वाले हैं। वैसे में अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो मेरा नाम है राज और आप लोग देख रहे हो एंटी गेमर्स। तो विदाउट एनी वेस्टिंग द फर्दर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जो है आपको दिख रहा है तो उसको दबा के बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसके लिए डेली कुछ ना कुछ हम रखते हैं तो वो जो भी लास्ट में देखेगा उसको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। आप ये देखो मैंने जो है ना इवेंट को खोल दिया। अभी ये वाले इवेंट्स में ऐसा रहता है कि यार ये चीज़ें जो है जल्दी से निकलती नहीं है। तो अभी मेरे पास कुछ 400 डायमंड है और इसको हम स्पिन मार के आपको दिखाएंगे कि आपको इसके अंदर स्पिन मारना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो मेरा मोटिव तो यही है कि आप इसके अंदर स्पिन ना मारोगे, इसमें अंदर जो है डायमंड जो है वो बर्बाद होते हैं और क्योंकि मैं ये सभी चीज़ें जो निकालूंगा, मतलब ये M187 भी लूंगा, ये बंडल भी लूंगा और ये जो ब्लैक टी शर्ट है वो भी लूंगा। तो अगर मैं अराउंड बताऊँ तो कुछ 1100 या 1200 या उससे ज़्यादा भी जो है डायमंड इसके अंदर लग सकते हैं। अभी फालतू रिवॉर्ड्स के अंदर हमारे निकला है अवतार बैनर और रिमोट और पता नहीं ये क्या क्या चीज़ें फालतू हमको दे दिए। बाकी एक और स्पिन जो हम मारेंगे और आपको दिखाएंगे, पर यार ये चीज़ें देख के ही मेरे को ऐसा हो रहा है कि भाई इसको कैंसिल करके भाग जाओ। बट देखो और हम 2-4 स्पिन मारते देखते आपको दिखाते कि एक्चुअल में निकलेगा। अभी 200 डायमंड हमारे पास पड़े हुए हैं तो आप क्या कहते हो, मतलब आपके हिसाब से इस इवेंट में स्पिन मारना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई 101% इसके अंदर स्पिन नहीं मारना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो इतनी चीज़ें मेरे पे ऑन डेड है फिर भी फालतू रिवॉर्ड्स निकल रहे हैं यार। ऐसी इवेंट्स में ये फालतू रिवॉर्ड्स की वजह से ही आपके जो डायमंड वेस्ट होते हैं और इसके अंदर से ब्लैक टी शर्ट निकलना, मतलब निकल भी जाएगा बहुत सारे लोग को 200 वाले स्पिन में, पर 90% केसेस में नहीं निकलेगा। और किसी आपके दोस्त का निकला है उसमें आप भी मार दोगे फिर आपका भी जो है डायमंड वेस्ट हो जाएगा। तो मेरी मानो तो इस वाले इवेंट के अंदर डायमंड जो है वेस्ट मत करना क्योंकि इसके अंदर डायमंड लॉस हो सकता है ज़्यादा, अच्छा खासा हो सकता है, ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ बट अच्छा खासा जो आपका डायमंड लॉस हो सकता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि आप इस वाले इवेंट के अंदर स्पिन ना मारो। देखो हमने यहाँ पे जो है 200 और 200 400 डायमंड जो यहाँ पे उड़ा दिए, हम इलीट पास ले सकते थे इस डायमंड से वैसे, पर उसका डिस्काउंट वगैरह आ सकता है इसलिए मैंने अभी जो है इलीट पास नहीं लिया है। तो आपने भी अगर नहीं लिया है तो इलीट पास का वेट करना, डिस्काउंट जो है वो आपको 15 तारीख के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। और अगर कोई स्पिन मारता है इसके कम डायमंड में निकलता है तो मेरे को बताना क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्पिन मारने का सोच रहा हूँ। अभी मेरा मन तो बहुत ही कम है क्योंकि यार ये निकलेगा नहीं मेरे को लगता है तब तक, तो फिर भी हम और 200-400 का मार सकते, उससे ज़्यादा नहीं मार सकते। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास कम डायमंड है तो इसके अंदर स्पिन मत मारना, चाहो तो 20 वाला एक मार सकते हो ताकि आपको ऐसा तसल्ली हो जाए कि भाई निकलेगा या नहीं। बाकी मेरे हिसाब से तो ये नहीं निकलने वाला और फालतू इवेंट था ऐसा आप बोल सकते हो। रिवॉर्ड जो है ये फ्री वाले हैं M187 को छोड़ के, जो अपना टी शर्ट है ना वो फ्री में मिला था बहुत, मतलब इस सालों पहले की बात है, ये लॉगिन पे मिला था यार टी शर्ट और ये लोग जो है अब डायमंड से दे रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने बहुत बड़ा रिडीम कोड नहीं रखा, छोटा सा रिडीम कोड है आपको साइट पर फ्लैश कर रहा होगा, 20 रुपये का रिडीम कोड है। जो भी रिडीम करते हैं बता देना क्योंकि हम डेली रिडीम कोड्स डालते हैं ना, तो डेली बड़े बड़े रिडीम कोड नहीं होगी, छोटे मोटे हो गए मतलब 30-80 ऐसा कुछ होगा। तो आज की इस वीडियो में 20 का रिडीम कोड है, जो भी रिडीम करता है मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी फिलहाल की वीडियो में नहीं रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और हम मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना। बाय बाय।